तो पूरी गाड़ी का गियर सिस्टम हैंग कर जाता है। अच्छा, देखिए वर्कशॉप से निकल के पास ले गाड़ी बाहर आई, मैंने कहा बैक में चलते हैं घर, हैंग कर गई। चलते चलते वो इंडिकेशन देना बंद कर देती है। अरे डी पे है, बढ़ नहीं रही आगे। उनकी पंच को मैंने चला लिया 2000 किलोमीटर। अरे लेकिन अब ट्रैक्टर ना वो, नहीं तो और कोई समस्या ना आ जाए। और की है, अच्छा करने के बाद 10 दिन गाड़ी आपने रख ली यार, ये तो मतलब चीटिंग होती है। हाँ। मैं चेंज कर दूसरी गाड़ी दो, मतलब मैं इतना हेडेक लेके रोड पे चल नहीं पाऊंगा। 10 out of 5 पे दूंगा। अच्छा अच्छा, और ये वाला जो इशू था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हेलो भाई, आई एम श्रीवास्तव, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सामने देख सकते हो ये है अपनी नेक्सॉन फियरलेस प्लस ऑटोमेटिक डीजल में। तो आज है इस वीडियो में हम आपको इसका ओनरशिप देने वाले हैं और बताने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस गाड़ी में। थोड़ी एक बढ़िया प्रॉब्लम आ गई, मतलब 2000 किलोमीटर में ही, तो वो भी जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और सबसे पहले तो प्रभाकर भैया का बहुत बहुत शुक्रिया अपना ओनरशिप शेयर करने के लिए और यहाँ तक आने के लिए। अच्छा, उनके पास एक हैरियर भी है तो उसका भी जल्दी ही हम बनाएंगे। ये नई वाली फेसलिफ्ट ही क्यों लिया, मतलब पुरानी वाली क्यों नहीं? चीज़ है, अभी तक तो मेरे पास बलेनो थी। अच्छा, बलेनो चला रहा था। ओके। तो सडन क्या हुआ, मेरी फैमिली में एक छोटे भाई का एक एक्सीडेंट हुआ। ओ, तो वो चला रहा डस्टर। हाँ, तो डस्टर उसकी पूरी खत्म हो गई। ओके। और साथ जो और लोग थे, काफी इंजरीज उनकी आई हुई थी। हुँ. अच्छा, मुझे नई गाड़ी एक लेनी ही थी। हुँ. तो मैंने टाटा का प्लान किया। हुँ. जो शोरूम देखने गए तो लाइक जो तो फीचर चाहिए थे वो कहने लगे सर ये तो नेक्स्ट वेरिएंट में आएगा। नेक्स्ट वेरिएंट करते करते हम टॉप पे पहुंच गए। टॉप पे, हाँ। ये चीज़ें है थोड़ा सा। हाँ, तो ये गाड़ी समर अराउंड मुझको पड़ी 18 लाख की। 18 लाख की? ओके। वर्थ लगा 18 लाख रुपए एक कॉम्पैक्ट एसयूवी पे खर्च करना, वो भी ऐसी? हाँ, पहले क्योंकि ये 14.5-15 तक चली जाती थी, तब तक तो ठीक था। आज के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो मारुति ने डीजल देना बंद कर दिया है। सही बात है, ठीक है ना। और जो फीचर्स इसमें आ रहे हैं, अगर उसको लेने के लिए मैं लाइक हुंडई में जाऊँ या किया में जाऊँ तो दैट वुड कॉस्ट मी मोर देन 20 लाख। सही बात है। हाँ, मैंने सेल्टॉस भी देखी हुई थी, उसमें मुझे डीजल ऑटोमेटिक वर्जन करीब 21,60,000 कुछ का पड़ता था। अच्छा अच्छा। और उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं थे, लाइक वेंटिलेटर सीट, ये सब नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। और लाइक और नेक्सॉन की सेफ्टी एक अलग लेवल पे है, उसको कंपेयर फिलहाल तो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, सही बात है। तो अभी तक क्या था, अभी तक मैंने इसे 2000 किलोमीटर चलाया। पहले 2000 किलोमीटर तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलो बढ़िया रहा। तो जो फर्स्ट सर्विस मैंने कराई, फर्स्ट सर्विस के बाद से इसमें एक दिक्कत आने लगी। कि जैसे ही हम लोग ऑटोमेटिक गाड़ी में ड्राइव मोड को एंगेज करते हैं या बैक गियर को एंगेज करते हैं, वैसे ही गाड़ी जर्क ले रही थी। अच्छा अच्छा। मतलब गाड़ी उठाने में झटके ले रही थी। ठीक है, मैंने इसमें टाटा में कंप्लेन करी। तो उन्होंने गाड़ी को करीब 10 दिन के लिए होल्ड किया और मुझसे बोला ऐसा गियर बॉक्स हम चेंज करेंगे। अच्छा, अरे इतनी जल्दी, मतलब गियर बॉक्स है गाड़ी? 2000 किलोमीटर में गाड़ी का गियर बॉक्स चेंज हो गया। ओके। 20 दिन की ओनरशिप में 20 दिन गाड़ी मैंने चलाई, 10 दिन गाड़ी टाटा की वर्कशॉप। अभी मुझे गाड़ी इन्होंने 21 या 22 तारीख में दी है और अच्छा अच्छा। अभी नई बीमारी इसमें आ गई है। कौन सी बीमारी आ गई? बीमारी अभी नई एक ये आ गई है कि इसको जब बैक गियर में एंगेज करते हैं तो पूरी गाड़ी का गियर सिस्टम हैंग कर जाता है। अच्छा, ठीक है। तब गाड़ी ना न्यूट्रल होती है, ना ड्राइव मोड पे आती है, कुछ भी नहीं होता है उसमें। ये तो होगी गलत बात है वैसे तो ये, ठीक है। हाँ, तो उसको ठीक करने के लिए करना क्या होता है, गाड़ी आप स्विच ऑफ करो, ऑफ करो, फिर से ऑन करो। हाँ, न्यूट्रल डालो तब गाड़ी स्टार्ट होती है। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट भी न्यूट्रल पे ही होती है। हाँ, ठीक है। हाँ, वो ऐसे होगी तो नहीं। हाँ, अभी करंट सिनेरियो में ये इशू है, इस इशू साथ में गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, और टाटा तो मुझसे कह रही है कि सॉफ्टवेयर का इशू है और जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर रिजॉल्व हो जाएगा हम ये इशू भी आपको। तो ये कब तक हो गए, कुछ बताया नहीं? बताया कुछ नहीं। इनके लखनऊ टीम के RM है, ही इज सेइंग वी आर गोइंग टू लॉन्च अपडेटेड सॉफ्टवेयर इन January 1st week। अच्छा अच्छा, तो आई एम वेटिंग फॉर द सॉफ्टवेयर लॉन्च। दिसंबर तो हो ही गया, खत्म ही हो गया अब ये तो, दिसंबर का आखिरी दिन है और एक हफ्ते की बात है, मैं देखता हूँ। हालांकि तब तक के लिए उन्होंने मुझे ये कार प्रोवाइड करी थी, मैं वो चला रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे लगा कि एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए गाड़ी खड़ी रही, फिर से उनके वर्कशॉप में छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अपना भी हम काम नहीं कर पा रहे, पैसा भी हम दे ही रहे, तो मतलब वो चीज़ें नहीं सही लगती है। बढ़िया लगा हुआ था तो मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, आगरा का ट्रिप मारा आपने? मतलब 2000 किलोमीटर है, उसमें 700 किलोमीटर तो मैंने आगरा के आने जाने में चला डाली थी। हाँ, अच्छा अच्छा।
करीब 3000 के आसपास हो गई है। हाँ, तो देखते हैं सॉफ्टवेयर के बाद ऐसा इशू रिजॉल्व होता है कि नहीं होता है। ये चीज तो खरीद लिया, अब तो झेलना पड़ेगा ही, अब जो भी है। और अब तो भाई झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा ही, अब जो भी चीजें हैं। अब खैर इशू तो आते रहते हैं, मशीनरी है एक तरीके से, क्या ही कह सकते हैं, किसी की गाड़ी खराब भी हो जाती है। मुझे गाड़ी रिप्लेस करके दो। सॉफ्टवेयर का इशू है, ओके। मतलब ये चीजें थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिर रोकती हैं। अब ऐसी चीज हो गई कि अब आप एक बार सोचोगे, अगर दूसरे को रेकमेंड करना हो तो आप एक बार सोचोगे कि यार थोड़ा सा देख के तब लेना, नहीं तो ऐसे फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बहुत अभी कोशिश करी तो शायद आई डोंट नो माइट भी शायद किसी को इशू ऐसा नहीं आया होगा अभी तक, गियर बॉक्स वाला इशू शायद किसी को नहीं आया होगा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। सही बात है, लेकिन आई वाज थिंकिंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, आपने कॉल करी तो मैंने कहा इससे बढ़िया बात क्या होगी। सही बात है, मौका मिल गया है अपना इशू दिखा, इशू बताने का। अच्छा जैसे बाकी बात करते हैं, जो पुरानी वाली नेक्सॉन थी उसकी रिलायबिलिटी मतलब ठीक ठाक, मतलब वो लोगों ने चलाई भी है सभी, मतलब उसके उसका ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैंने मतलब मैं किया के शोरूम में बस निकलते बैठते हो लिया था। सामने से निकल रहा हूँ तो लाइक शोरूम में दो मिनट के लिए बोलिए, मैंने देख लें यहाँ क्या क्या है, लेकिन लिटरली मैंने किसी और गाड़ी को कंसीडर ही नहीं किया, देखने को देखा ही नहीं, मतलब सीधे मतलब यही इसी पे मन था, देखा ही नहीं गाड़ी मैंने, देखी तो मेरा मन कर गया लेनी है सडन, मैंने अपनी वाइफ को चलो बुक करा के और ले ली है। आई थिंक फर्स्ट जब मैंने ली हुई थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, और 2000 किलोमीटर के बाद पहला इशू आने लगा। लेकिन ये भी अच्छा है जल्दी आ गया, अगर देर में होता मतलब ऐसा कुछ तो फिर जो है समस्या होने वाली थी। अब जैसे लेटेस्ट में आ गया तो उनका भी फर्ज बनता है कि उसको हम बिल्कुल जो है उस पर R&D करें, उसको देखें। और दूसरी चीज़ वो कस्टमर पे ही R&D करते हैं सीधा, तो मतलब यही है। हाँ पहला इशू था तो उन्होंने गियरबॉक्स चेंज किया, हाँ। दूसरे इशू में मैंने गाड़ी एक दो दिन छोड़ी थी फिर से, अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट किया इसमें, अच्छा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट करते ही मुझको जॉइंट ट्रायल कराया, हाँ। उस समय तो चल गई, हाँ। ठीक है, फिर उस सर्विस सेंटर से निकलने के बाद ही गड़बड़ होती है, तो मैंने जैसे ही उनकी वर्कशॉप से निकल के पास ले गाड़ी बाहर आई, मैंने कहा बैक में चलते हैं घर, हैंग कर गई सडन। फिर मैंने उनकी पूरी टीम को जो उनके GM सर्विस GM है उनको बुलाया, उनकी टेक्निकल टीम सबको बुला के मैंने दिखा दिया, मैंने भाई आपके सामने इशू है, आप बताइए क्या करना है। सही बात है, हाँ। सर पकड़ के बैठ गए अपना, कहीं अभी तो सही किया था, चेंज कर दिया सॉफ्टवेयर ही कर दिया, आप क्या दिक्कत आ रही, समझ में नहीं आ रहा है। अब उन्होंने मुझसे 10 दिन का टाइम लिया है एंड दे आर सेइंग सर आप परेशान बिल्कुल मत होइए, पैनिक ना होइए, हम हमारी टीम इस पर काम कर रही है और जल्द से जल्द हम इसको रिजॉल्व करा देंगे, सब कि सॉफ्टवेयर का ही इशू है उसे कराएंगे, अगर कोई पार्ट का इशू होगा वो भी हम कर देंगे 10 दिन के अंदर ही, लेट्स सी। बाकी इंफोटेनमेंट है वो तो अक्सर ही हैंग हो जाता है, हैं। अच्छा मतलब इंफोटेनमेंट वाला जो इशू था वो लगभग अभी है, उसको सॉल्व नहीं कर पाए अभी तक, ये सब में वो अक्सर हैंग हो जाता है। हाँ हाँ, एप्पल का कार प्ले में भी दिक्कत करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्ले कुछ कर रहा हूँ प्ले कुछ और हो रहा है। हाँ तो वही चीज़ है, समटाइम्स होता है कि वो स्क्रीन एकदम हैंग कर जाती है, वो टच कुछ भी नहीं काम करता, कुछ नहीं काम करता, फिर उसको बंद करो गाड़ी को, तो वो चीज़ है लाइक ऑडोमीटर पे भी डिजिटल ऑडोमीटर है। हाँ हाँ, तो जब ऑटोमेटिक स्पीड वाला, हाँ, जब गाड़ी ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट करती है तो उसमें इंडिकेट करती है कि अब गाड़ी इस गियर पे चल रही है। सही बात है, हाँ हाँ, चलते चलते वो इंडिकेशन देना बंद कर देती है, अरे लाइक गाड़ी किस पे है, फर्स्ट गियर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, वो इंडिकेशन देना ही बंद कर देती है। वो कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक सोच लिया इन्होंने, कहीं ना आदमी अपने हिसाब से चलाएगा। ये देखो भैया, जो इशू भैया बता रहे थे कभी कभार हो जाता है कभी कभार नहीं होता है, लेकिन ये हमारे साथ में पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी हम कोई वीडियो बनाने चलते हैं गाड़ी में कोई ना कोई इशू जो ओनर बता रहा होता है वो तुरंत आ जाता है। अब देखो यहाँ पे जो है डी पे है, बढ़ नहीं रही आगे, ये देखो बस रवि कर रहे हैं हम, यही काम बचा रह गया अब हमारे पास, जीरो पे है गाड़ी, जीरो पे है गाड़ी, ना आगे बढ़ रही है ना कुछ है, देखते हैं ये न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल देखो नहीं हो रही है। अब देखो फंस गए, गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल हैंग कर गई, फंस गए, हैंग हो गया। अब आई, अब आर पे, अब गियरिंग एज, अब गियरिंग एज,
तो ये जो है थोड़ा सा मतलब ये अभी इशू, ये अभी तो एंगेज हो गया है लेकिन कभी होता है ये कुछ होता ही नहीं है, फिर मैं गाड़ी को बंद करता हूँ, बंद करो स्टार्ट करो, ऑन करता हूँ तब ये न्यूट्रल होती है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। ये फिर भी जल्दी हो गया, ये जल्दी, ये होता नहीं था, ये हो गया आज इत्तेफाक से। ये तो मतलब ये वाला इशू जो देखो बता रहे थे ना, तो वो भी जो है यहाँ पे आ गया। और मैं शेयर करूंगा आपसे, लाइक टच पैनल देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ओके, लेकिन चलती गाड़ी में आपको एसी चलाना होगा तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम चीज है, आपको देखना पड़ता है इसकी तरफ, खड़ी करनी पड़ती है। हम लाइक कोई भी टच पैनल बटन होती है उनकी आदत पड़ जाती है, मैंने लाइक बटन को प्रेस किया एसी ऑन, अब मुझे इसको या कोई भी मोड इसमें लगाने के लिए मुझे एक बार इसकी तरफ देखना पड़ता है तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है सामने से, ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट करती है। हाँ, सही बात है कि इससे बेहतर है कि आप गाड़ी खड़ी करो, खड़ी करने के बाद ही उसको। तो ये पता नहीं कौन सा फ्यूचरिस्टिक क्या ही फ्यूचर बना रहा है, देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन लाइक प्रैक्टिकलिटी खत्म कर दी है ना, प्रैक्टिकल नहीं है उतना, टच इज नॉट गुड। सही बात है, अब ये टच वाला तो है थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है, बाकी 360 डिग्री कैमरा देखो ये तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इसको साइड में देखना हो, साइड ये वाला देख लो, ये वाला पीछे का देख लो, आगे का देख लो, बाकी 3D में कर दो तो पूरी गाड़ी घुमा देगा, गाड़ी घुमा देगा जाम में, ट्रैफिक जाम में अगर आप हैं तो सबसे बड़ा फीचर ये है आपका, ये वाला, ये आपको पता चल जाएगा दोनों साइड का, लाइक आप चल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ सही बात है, आपको दोनों तरफ का दिखता रहेगा है ना, साइड में कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सही बात है, ये ऊपर से दिखता रहता है, तो ये चीजें थोड़ी सी अच्छी है, पीछे का भी ऐसे दिखता है। ये चीज सही है, पहले आगे का हिस्सा निकालो फिर पीछे का निकालो, तो ये चीजें ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन अब वही है, अब पॉजिटिव है कुछ, नेगेटिव कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब अच्छा है ही है, JBL का है तो कोई बात ही नहीं है। और एक चीज अच्छी इसकी और मैं कहूंगा कि हेडलाइट के नीचे एक आपने लाइट देखा होगा और लगी हुई है, फॉग लाइट। हाँ फॉग लाइट, तो वो स्टीयरिंग से कनेक्टेड कॉर्नर वाली, हाँ कॉर्नरिंग लाइट, होता क्या है जैसे आपने गाड़ी इधर मूव करी ऐसे तो सडन उधर की लाइट जल जाती है, कॉर्नरिंग लाइट, कॉर्नरिंग उस तरफ ही होता है फोकस, हाँ जिस तरफ भी आप उसको मूव करोगे उधर ही जल जाएगा, उधर ही जल जाएगा, तो ये चीज थोड़ी सी अच्छी है, कॉर्नरिंग वाला फंक्शन जो है यहाँ पे दे दिया गया, बाकी अगर ये इशू ना होता तो शायद मैं मतलब हर चीज को 10 out of 10 ही देता मैं, ये जो इसने मेरा थोड़ा टेस्ट खराब कर दिया, वही चीज है ना, अब ये कुछ ज्यादा ही गड़बड़ इशू हो गया, मतलब अब एक तरीके से नई गाड़ी में ये वाला इशू होना थोड़ा सा गड़बड़ बात हो जाती है, अब समझ में नहीं आता है कि ऐसे ऐसे इशू आ रहे। अच्छा ये सब सॉफ्टवेयर के इशू हैं, कोई मतलब मेजर वैसा कुछ नहीं है, सब सॉफ्टवेयर की ही दिक्कतें हैं, गियरबॉक्स वाला वो जो खैर चेंज हो गया, वो हो गया, उन्होंने करीब 1 lakh के अराउंड का काम किया गाड़ी में, उन्होंने मुझे बताया कि गियर बॉक्स के अंदर एक ऑयल सील लगती है, वो ऑयल सील लीक कर गई और लीक होके वो क्लच प्लेट्स पे आ गई, क्लच प्लेट जल गई उसकी, तो कहने लगा ये इशू जो है रिपेयरेबल है, लेकिन नई गाड़ी है तो हम गियरबॉक्स आपका खोलेंगे नहीं, चेंज ही कर देंगे, पूरा चेंज कर देंगे। उन्होंने ऑर्डर किया, 6-7 दिन का टाइम लगा आने में, फिर जो उसको चढ़ाने में टाइम लगा, करीब 10 दिन के लिए गाड़ी उनके पास इंगेज थी, 11 से दिसंबर से लेकर 20 दिन, फिर भी जल्दी हो गया काम। हाँ ये भी सही है, रुकी और फिर 21 से 22 में गाड़ी मुझको मिल गई थी, सेकेंड टाइम गाड़ी जब पिक करनी थी किसी बंदे को, उन्होंने 9 भेजा था और वो एक ओनर कार मुझे प्रोवाइड करके ये गाड़ी ले गया। अच्छा अच्छा, तो सर्विस आप इसकी कहाँ करा रहे हैं, कानपुर लखनऊ कहाँ पे? और हमने 9 में तो कराई नहीं। अच्छा, तो जो पहली सर्विस थी ये सोसाइटी मोटर्स के GT रोड वाली वर्कशॉप में, 2 दिन बाद मैंने ये इशू बताया कि दिक्कत मुझे आ रही है, तो फिर उन्होंने मुझे पनकी रेफर कर दिया। अच्छा अच्छा, हाँ पनकी मेन इनका वो है ना, वहाँ पे पनकी रेफर कर लगभग सारा, हाँ होल्ड कर ली वहाँ पर। हालांकि पहली सर्विस में एक दिक्कत ये थी, गाड़ी के गियर शिफ्ट में डिले हो रहा था। अच्छा अच्छा, ड्राइव देर में डिले हो रहा था, थोड़ी देर में ड्राइव पे आता था, रिवर्स पे डाला तो रिवर्स थोड़ी देर में आता था, तो मैंने उनको नोट कराया था, उनके टेक्नीशियन ने लैपटॉप लगा कर कुछ आई डोंट नो क्या देखा कर दिया, वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है आप चलाओ, और कुछ दिक्कत आएगी तो हम फिर देखेंगे गियरबॉक्स कुछ या चेंज करना है क्या नहीं करना है। फिर तीसरे दिन यही हो गया, गियरबॉक्स चेंज हो गया गाड़ी का, सीधा चेंज, ऐसा इशू आ गया, जिला अस्पताल से उन्होंने मुझे रिजेंसी में रेफर कर दिया, रिजेंसी के डॉक्टर्स ने कहा इसका हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। तो ये मतलब नई गाड़ी, अच्छा ये भी लगता है ना कि मतलब नई गाड़ी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और ये सारी चीज़ें काम हो रहा, सर्विस सेंटर पे आदमी भाग रहा है, मतलब उसके पास हो कोई काम ही नहीं है जिसे, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है, मेरा गाड़ी बिना मेरा काम नहीं होता है। हाँ तो जब गाड़ी इन्होंने रोकी तो पहले दिन तो मैं पैदल हो गया। हाँ हाँ, सही बात। अच्छा छुड़वाया भी? अरे मुझे इन्होंने ड्रॉप किया था मोती झील तक। हाँ
बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अरे इससे ज्यादा तो वही चला दिया है मतलब। तो पंच का क्या रिस्पांस रहा मतलब इससे उसमें? वो तो नो डाउट गाड़ी अच्छी है, बस माइलेज वाइज मेरे ख्याल से 15 से ऊपर नहीं है, पेट्रोल है थोड़ा सा इस वजह से। ये बात सही है, मतलब सही लगी। हाँ गाड़ी ऊंची भी है। और बस एक दिक्कत हम लोगों के लिए, जैसे मेरी फैमिली में सब लंबे लोग हैं, उसके लिए थोड़ा सा समस्या। तो उसके लिए समस्या है, बाकी गाड़ी ओवरऑल ठीक है, मतलब ड्राइव भी उसकी सही है, मैं उससे भी आगरा गया था एक दिन। अच्छा अच्छा, जिस दिन मैंने गाड़ी उठाई है उससे आगरा सही होके आया था। ओके, मुझको लग रहा है हाईवे पे उसने माइलेज अच्छा दिया, हाईवे पे बढ़िया देती है। हाँ सही बात, मेरे ख्याल से 17-18 के आसपास दिया होगा उसने। बहुत है, मैंने छोड़ी है। तो मैंने 15 के हिसाब से पेट्रोल लिया था, और जब मैंने इनकी वर्षा और पंखी छोड़ी तो गाड़ी में 350 किलोमीटर का पेट्रोल था। बहुत सही है, मतलब ठीक है। और बाकी इसका क्या एवरेज है अभी? अभी वैसे पूछना बेवकूफ़ी है क्योंकि नई गाड़ी है, लेकिन फिर भी मतलब एक अप्रॉक्स बता सकते हैं। सर्विस सेंटर ये कह रहा है कि लाइक ये पुरानी गाड़ियाँ नहीं है, कार्बोरेटर वाली। अब इसमें जो माइलेज आपको आज मिल रही है वही आगे मिलेगी। अच्छा। सर्विस से या गाड़ी चलने से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे अभी तो लग रहा है कि स्टार्टिंग में तो ये 15 के आसपास दे रही थी, अब मुझे लग रहा है 20 के आसपास है। सही है फिर, मतलब ठीक है, मतलब एवरेज ठीक है। हाँ सही है, हम मतलब एक्चुअली हम टैंक टू टैंक ही चलते हैं। हाँ चलाने वाले भी हम ही हैं। हाँ तो वही सिंगल हैंडेड रहती ना गाड़ी, तो मतलब एक पता चल जाता है जल्दी। हाँ चलिए कि महीने में दो बार टैंक रिफिल करना पड़ता है, 1,500-2,000 किलोमीटर महीने में रनिंग है मेरी। हाँ तो सही है फिर, मतलब डीजल गाड़ी मैंने ली थी, डीजल गाड़ी का ऑप्शन ज़्यादा बचे नहीं, मुझको लग रहा है कि ये लास्ट डीजल व्हीकल मैंने ली। हाँ ये है, और किया सोनेट है डीजल में आती है। हालांकि हमने प्लान किया था इनिशियल कि हम एक बार नेक्सॉन ईवी ले लेंगे। अच्छा अच्छा, इतनी रनिंग होने के लिए मतलब। हाँ लेकिन लगता है ये है ना, कभी कभार मेरे आगरा के ट्रिप लग जाते हैं, वहाँ पे बीच में थोड़ी समस्या होती है। एक दो कुछ चार्जिंग पॉइंट्स हैं, अब खुदा ना खासा किसी वजह से कोई चार्जिंग पॉइंट ना काम कर रहा हुआ तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, वहीं हवन करेंगे फिर सीधा। दूर दूर तक कोई परिंदा परवाने वाला नहीं है। नहीं है, सही बात है। तो ये सोच के मैंने सोचा कि मैं आखिरी डीजल गाड़ी ले रहा हूँ 6-7 साल बाद, जो भी होगा फिर देखा जाएगा। फिर देखेंगे ईवी का, कुछ अच्छी रेंज भी आ जाएगी, मतलब 500-600 किलोमीटर की रेंज एटलीस्ट एक बार अगर आ जाए तो आई थिंक इट इज सफिशियंट। हाँ इतनी दूर के लिए मतलब थोड़ा ही सुपरमैन तो है नहीं, 700-800 किलोमीटर चलाएगा। जो प्रोफेशनल चलाते हैं गाड़ी में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन पर्सन अगर मेरी बात आप करो तो मेरे लिए 350-400 किलोमीटर इनफ है, एक दिन मैं इसके ऊपर गाड़ी चलाता नहीं। क्या है ठीक है, आई मीन टू से लॉन्ग रूट पे मैं रात को नहीं चलता हूँ। हाँ लोकल तो हाँ चलता ही, तो लाइट का थ्रू जैसे पिछली वाले में तो हेलोजन आता था, अब तो पूरा LED कर दिया। अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी क्या यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो इशूज मैंने आपको बताया था, गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी में कोई, ड्राइव क्वालिटी अच्छी है। हाँ सही बात है, बस एक चीज़ है इंजन नॉइजी है, डीजल है तो थोड़ा तो होगा लेकिन ज़्यादा है। इनके पेट्रोल भी डीजल की तरीके आवाज़ करते हैं, तो डीजल तो पहले बंदे ने कह दिया भैया मैंने, मेरे पास क्रेटा है। हाँ मैंने 5-6 साल चला लिया है, आपके इंजन की तरह आवाज़ उसकी अभी भी रही है। हाँ वो वही चीज़ है ना, मतलब इनका आवाज़ कर रहा है। हाँ हाँ थोड़ा ज़्यादा आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है, ये तो बात सही है। पेट्रोल वाला डीजल की तरीके आवाज करता है, डीजल वाला पता नहीं किसकी तरीके आवाज करता है, कुछ ज्यादा ही आवाज करता है, ये चीज है। उसमें सेल्टॉस में देखो, क्रेटा में देखो, उनका इंजन साइलेंट है, इतनी नॉइज उसमें नहीं है। सही बात है, उनका इंजन गाड़ी स्टार्ट होती है लगता है ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। हाँ लेकिन अब ट्रैक्टर ना हो नहीं तो और कोई समस्या ना आ जाए, पता पड़ा के बुरा मान जाए कि हम तो ऐसी बात कर रहे हो तो मतलब है। बाकी देख सकते हो पीछे का लुक है, ये बढ़िया लगता है, और टेल लाइट भी यहाँ पे, ये पूरा ये बढ़िया लगता है देखने में, टेल लाइट वाला सिस्टम जो है। तो ये चीज़ है तो मेरे पास अभी 20 तारीख को आ गई थी, लेकिन मैंने अभी तक लाइव गाड़ी ड्राइव ही नहीं करी है। अच्छा चलाई नहीं, चलाई नहीं है। ओके क्यों नहीं चलाया? करीब मानिए कि ये गाड़ी एक्चुअली मेरी है, वो गाड़ी मेरे भाई की है। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई इंडिया में रहता नहीं है। ओके तो वो आया है 15 दिन में चलाएगा, फिर चला जाएगा 3 तारीख के बाद, मैं चलाऊंगा गाड़ी फिर आपको ओनरशिप भी दूंगा। ओके हाँ तो वो वहाँ मतलब बताते तो होंगे कि मतलब गाड़ी के बारे में कि हाँ मतलब हैरियर कैसी है, अभी चल रही क्या है, मतलब गाड़ी चलाता है और ड्राइवर।
ड्राइवर का मजे हो रहे हैं तो ये तो हालांकि ड्राइवर ने अभी तक कोई ऐसा इशू शेयर नहीं किया कि भाई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। हाँ हाँ अभी तक सब ठीक ही है उसके साथ में। चलाते भी तो कहाँ ड्राइवर कितनी स्पीड में चलाता हो, तो ओनर होते जो चलाते हैं ड्राइवर को पीछे मालिक बैठा भी है, ज़्यादा तेज हम नहीं चलाएंगे पता पड़ा कोई दिक्कत हो जाए तो वो भी है। अभी तक दो गाड़ियाँ थी वरना और एक बलेनो थी, मेरी बलेनो थी भाई की बलेनो। अच्छा अच्छा तो आपके भैया आपसे मतलब ऊपरी सेगमेंट वाली ही गाड़ी लेते सीधा मतलब हाँ मतलब पता चलना चाहिए डिफरेंस होना चाहिए क्या मतलब ये चीज है। हाँ 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 सही बात है। मेरी गाड़ी लग्जरी हो, मेरी गाड़ी जो ये है ये इकोनॉमिकल हिसाब से थोड़ी लग्जरी वाली फील देती है। इंटीरियर लगभग सेम ही है, हैरियर वाला ही है बस थोड़ा छोटा है, थोड़ा प्रीमियम। हाँ वो चीज है वो तो जब आप चलाएंगे तब पता चलेगा क्या है। मैं कुछ उसका ड्राइव करूंगा फिर बताऊंगा वो गाड़ी कैसी है क्या है। वैसे ठीक ही है। अच्छा उसमें जो सफारी वाली वीडियो बनाई थी उनका तो अलग ही इशू मुझे मतलब अभी जैसे आप आए ठीक है मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ गाड़ी ठीक है सही है पीछे वाली सारी लाइटें जल रही खड़ी किया वीडियो बनाने के चालू किया कैमरा आधी लाइट गायब जल ही नहीं रही। तो ये चीज़ें मतलब ऐसे ऐसे इशू हैं। सनरूफ बंद नहीं हो रही वो खुली जा रही बंद करो वो क्लोज सनरूफ आती है आधे पे आके फिर गायब फिर पीछे तो ये चीज़ें थोड़ा सा इरिटेटिंग करती है आदमी को बहुत ज़्यादा। इरिटेट लगता है ना जिस आदमी ने 30-35 लाख रुपए या 20 लाख रुपए लगाए हैं। हाँ। तो उसको इरिटेट मतलब वो इरिटेट होता है कि यार मैंने इतना पैसा खर्चा कर दिया और मैं फिर भी मतलब वर्षाओं के चक्कर लगा रहा हूँ। वही चीज़ मैंने तो उनसे बोल दिया था यार मेरे पास बलेनो थी लेकिन मैं आज तक कभी खड़ा नहीं हुआ उसको लेकर। हाँ दे दिया गाड़ी सर्विस हो गई आ गई मतलब बाकी कोई चीज़ समस्या नहीं है या कहीं ठुकाई कहीं डेंट वेंट आ गया तो उसके लिए चली गई अदरवाइज हमको कभी दिक्कत नहीं आई उसमें। यही होती है रिलायबिलिटी और क्या है। खर्चा करने के बाद 10 दिन गाड़ी आपने रख ली यार ये तो मतलब चीटिंग होती है। हाँ पैसा भी हम दे रहे हैं उसका गाड़ी आपके पास है ये सारी चीजें समस्या है। मैं कह रहा हूँ भैया गाड़ी चेंज करो दूसरी गाड़ी दो मतलब मैं इतने इतना हेडेक लेके रोड पे चल नहीं पाऊंगा। डर भी लगेगा ना अब कहीं दूर जाना हो तो फिर उसमें भी समस्या दिक्कत क्या होती है। अब ये दिक्कत देखो कहने में तो छोटी है लाइक अब हम कहीं ट्रैफिक में खड़े हुए हैं सही बात है हमको गाड़ी एकदम से बैक करनी है अक्सर तो लग जाता है अक्सर लग जाता है वो नहीं लग रहा तो मतलब 100 में से 2 बार 3 बार हैंग कर जाता है वो 100 में से 1-2 बार ट्रैफिक जाम ही हो गया वो कब हुआ ये भी नहीं पता। हाँ अभी तक ये बैक गियर में दिक्कत आ रही थी अब मैं कानपुर के माल रोड पे था और ट्रैफिक में मैं क्या करता हूँ गाड़ी को न्यूट्रल कर देता हूँ मैं ड्राइव मोड पर नहीं रखता हूँ गाड़ी को। अब मैंने जैसे ही ट्रैफिक खुला मैंने ड्राइव पे गाड़ी डाली और गाड़ी ड्राइव पे हैंग हो गई अब बड़ी थी और फिर सारा ट्रैफिक चेपे पीछे से लगा हुआ है मेरे सही बात है। इस तरह का ट्रैफिक में खड़े होकर ऐसी कोई दिक्कत हो आपका दिमाग भी बाउंस होने लगता है यार क्या करें हम सही बात समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। फिर मैंने गाड़ी बंद करी फिर उसका इग्निशन ऑन किया उसको न्यूट्रल किया न्यूट्रल करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करी तब कहीं मैं आगे बढ़ पाया। हालांकि ड्राइव मोड पे दिक्कत हुई बार अभी तक आई है लेकिन दिक्कत तो दिक्कत है कभी भी तो। हाँ क्यों आ रही है मतलब नई गाड़ी से अच्छा पुरानी हो तो एक बार चलो आदमी झेल भी लेता है अब इतनी पुरानी हो गई है हाँ ठीक है अब दिक्कत आएगी आएगी ये तो 30-35 दिन में इतनी दिक्कतें आ गई मतलब 30 दिन में इरिटेशन वाली बात ही है मतलब कभी उसका इंफोटेनमेंट हैंग हुआ जा रहा कभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैंग हुआ जा रहा कभी गेयर बॉक्स हैंग हो गया मतलब है तो ये चीज है थोड़ा सा मुझे पता है इतने कामधाम वाली गाड़ी ना लेके एक सिंपल सी मैनुअल गाड़ी लेनी चाहिए थी बेस मॉडल टाटा की ना लेते बेस मॉडल ले लेते ले कोई भी ले लेते टाटा की गाड़ी शायद ऑटोमेटिक नहीं लेनी चाहिए थी मुझे ऐसी फीलिंग है मैनुअल ले लेते वो ज्यादा सही रहेगा मैनुअल से फिर भी ठीक थी मैनुअल का तो फीडबैक अच्छा है मैंने जिसका भी सुना हुआ है YouTube पे वीडियो भी देखे हैं तो मतलब सभी लोगों के अच्छे मतलब नेगेटिव फीडबैक मुझे उसका बहुत कम देखने को मिला। अब ये MT अब ठीक है लेकिन बाकी चलाने में पिकअप वाइज तो अच्छी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है एवरेज भी अच्छा है। हो सकता है कि लाइक इसका सॉफ्टवेयर चेंज होने के बाद अगर मेरा इशू रिजॉल्व हो जाता है तो लाइक मेरा माइंडसेट चेंज हो जाए तो एक्सपीरियंस दूसरा हो सकता है। हाँ वो तो चीज़ें हैं माइंडसेट चेंज हो जाए गाड़ी कैसी है क्या लेकिन अभी तो दिक्कत है वो है ले रहे हो आपको सीरियस के बारे में मैंने सुना है कि पीपल आर नॉट हैप्पी तो अब मैंने सोचा था कि कभी एक्सपीरियंस होगा जल्दी एक्सपीरियंस हो जाए इतनी जल्दी नहीं सोचा होगा। हाँ ये चीज़ थी। अच्छा आउट ऑफ स्टाइल अगर रेट कर रहा हो गाड़ी को तो कितना रेट करेंगे? तो ड्राइव क्वालिटी में तो मैं 9 दूंगा यार। अच्छा ठीक है ओके हाँ और आफ्टर सेल्स पे भी मैं लाइक 10/5 पे दूंगा। अच्छा क्योंकि अब इशू है वो टाटा की मैन्युफैक्चरिंग का इशू है।
मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो डीलरशिप वाले जो है लाइक वो भी एफर्ट कर ही रहे हैं, जब तक टाटा इसको अपने एंड से रिजॉल्व नहीं करेगा तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। बाकी जो उनके सर्विस जीएम थे आकाश जी, सपोर्ट तो खैर करते हैं और गाड़ी तो प्रोवाइड करी थी उन्होंने मुझे। ये भी वो बड़ी बात है, गाड़ी प्रोवाइड कर दी है, गाड़ी उन्होंने मुझे प्रोवाइड चलने के लिए दी थी। देखिए मैं वेट कर रहा हूँ उनके साथ में कि भाई इशू रिजॉल्व हो जाता, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं खड़ी कराऊंगा, मुझे कार ले आऊँगा, फिर उठाने नहीं जाऊँगा उसमें। तुम ही दे ले जाओ, जो सही हो जाए तभी देना। मैं तो उनसे कहा था, जब लास्ट टाइम मुझे गाड़ी वाले दे रहे थे, लाइक मेरी गाड़ी फ्राइडे को लेकर और मंडे को मेरे पास कॉल आया कि आप गाड़ी ले लो। तो मैंने उनको लिखा कि गाड़ी एक काम करो, आप पर्सनली ड्राइव करो, जल्दबाजी नहीं है, आप दो दिन और रख लो गाड़ी, पर्सनली ड्राइव करो और एक्सपीरियंस करो, ये दिक्कत तो आ तो नहीं रही है दोबारा। पता लगा फिर मेरा फिर मैं लेके जा रहा हूँ, और इत्तेफाकन हुआ क्या कि उनकी वर्कशॉप निकलते ही इशू हो गया फिर से। अब उनका टेक्नीशियन जीएम जो लाइक सर्विस इंचार्ज है, फोन चार्ज है, वो सब गाड़ी घेरे खड़े हैं और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। फर्स्ट टाइम जब मैंने गाड़ी उनको दिखाई, लाइक जब इसमें जर्क वाला इशू आ रहा था, तो उन्होंने लैपटॉप लगाया, कोई एरर कोड उसमें आया, तो उनका टेक्नीशियन कह रहा है कि आपने गाड़ी को ब्रेक पे पैर रख के चलाया। तो मैंने वहाँ पे उनको बताया कि लाइक ये जो ऑटोमेटिक कार होती है, ऑटोमेटिक कार में सिंगल फुट ऑपरेशन होता है, या तो आप ब्रेक लगाएंगे या तो आप एक्सीलेटर करोगे। हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं गाड़ी को लाइक ब्रेक पे रख के चला रहा हूँ? अगर जाम में गाड़ी चल रही है तो वहाँ तो ब्रेक पे लगाना ही पड़ेगा ना मुझे। सही बात है। तो पहले तो ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा आपने किया है। तो नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने कुछ गाड़ी खोली, डिसमेंडल करी, तब उनको रियलाइज हुआ कि दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, फालतू ओनर को हम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा एक काम करिए, मुझे गाड़ी चलाना सिखा दीजिए। और कहेगा ही आदमी ना। तो मैंने उनसे कहा आकाश जी मैं गाड़ी लेने आऊँगा और अपने टेक्नीशियन से कहिए मुझे गाड़ी चलाना सिखाएगा, क्योंकि आई डोंट नो गाड़ी चलानी कैसे है। सही बात। क्योंकि अगर ब्रेक ना लगा के, बाकी तो स्कूटी तो है नहीं, मैंने पैर लगा गाड़ी रोक ली। उन्होंने कहा गाड़ी तो स्कूटी नहीं है, तो रुकने में ब्रेक लगानी पड़ेगी, कोई और ब्रेक बताइएगा मुझे। तो कह रहे हैं अरे सर आप शर्मिंदा कर रहे हैं, वो हमने आपको उसको रिजॉल्व कर दिया, गियर बॉक्स चेंज कर दिया। चलो देखते हैं, बाकी तो यही था। अच्छा, सर्विस सेंटर को 5 रिव्यू दे रहे हैं आप। अब खैर उनकी भी गलती नहीं है एक तरीके से, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो क्या ही कर सकते हैं। तो आपने मेल किया, तो मेल पे क्या मतलब कुछ आया कि नहीं आया? कंसेशन जो है मिस्टर आकाश चल रही थी, और अभी बीच में उनकी टीम के एक रीजनल ऑफिस के हैं मिस्टर प्रिंस, वो इन्वॉल्व हुए, ही कॉल्ड मी एंड ही वाज आस्किंग टू मी व्हाट इज द इशू। सो मैंने उनको सारे इशू अपने बताया, तो उसे यही कह रहे थे सर हैव पेशेंस एंड डू नॉट पैनिक, वी आर वर्किंग ऑन योर इशू एंड वी विल लाइक रिजॉल्व वेरी सून, वी आर वर्किंग ऑन द अपडेट, सो यू नीड टू वेट लाइक फर्स्ट वीकेंड ऑफ जनवरी। अच्छा ओके, ठीक है यार, इतना मैंने झेल लिया, इतना झेल लिया, थोड़ा और झेल लेंगे लेकिन बस सॉल्व हो जाए। सबसे बड़ा एक इशू ये है ना कि गाड़ी जब कोई खरीदता है तो एटलीस्ट सोचता है मुझे 1-1.5 लाख तुमने चलानी है, तो 2000 किलोमीटर जो ऐसा इशू आ जाता है तो थोड़ा सा हाँ कि मतलब ऐसे कैसे कहीं दूर ले जाने में भी मतलब डर लगता है कि यार ऐसा ना हो कहीं बाहर हैं कहीं पे और फिर कुछ इशू आ जाए, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि हाँ मतलब लगता है फिर फालतू ही ले लिया, फालतू तो पैसा लगा दिया। मतलब ये डर लगा रहता है ना, ये कोई चीज मैंने स्मार्टफोन रखा है कभी भी हैंग हो सकता है। चल रहा है कभी हैंग हो गया तो फिर आपको गाड़ी फिर से वही है चाइनीज माल वाला हिसाब है, चले तो शाम तक नहीं तो बात तक, चांद तक। हाँ बस वही चीज़ है। तो यही था इसका रिव्यू, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ये वाला जो इशू था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अपनी गाड़ी में भी देखना, थोड़ा ध्यान से चलाना और ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी मत चलाना, ठीक है? तो जो है हाँ ये चीज़ थोड़ा सा भाई सर्विस सेंटर वालों ने बताया तो उसका ध्यान देना पड़ेगा, आवाज़ से हम भी ब्रेक पे बिना पैर रख के गाड़ी चलाएंगे। ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ टाटा से कि अगर मैंने ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी चलाई तो एटलीस्ट मुझे ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करो, गाड़ी चलानी कैसे है। हाँ, ड्राइविंग स्कूल प्रोवाइड करना चाहिए, ये भी सही बात है कि हाँ मतलब टाटा गाड़ी। अच्छा, हम लोग तो भाई मारुति से आए हैं तो मारुति गाड़ी हो सकता है अलग हिसाब से चलती हो, या टाटा की है तो अलग हिसाब से चलती हो, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। अगर कोई आदमी इशू लेके आ रहा है तो आप उसको सीधे ड्राइविंग स्कूल में भेज दीजिए कि आप पहले गाड़ी चलाना सीखिए। तो अब हम भी सीखेंगे और
अब ब्रेक पे जो है पैर रख के हम गाड़ी नहीं चलाएं। वो कह रहे थे वो अभी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे हमारे टेक्नीशियन, आप देखिए चलाइए। अच्छा अच्छा, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? कोई ना कोई ज्ञान जरूर दिया होगा। थोड़ा सा उसको दिया हाँ। हमने कहा और इंस्ट्रक्शन बताइए, यही बताना था। अच्छा तो बताओ, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि भूल गए? ऐसा इंस्ट्रक्शन कि खुद ही भूल गए। क्या इंस्ट्रक्शन था? तो ऐसे इंस्ट्रक्शन बंद दो कि यार आदमी भूल जाए। तो ये चीज़ थी। तो बाकी ठीक चल रही है गाड़ी। अब देखते हैं, अब एक हफ्ते बाद जब इसका जो भी सॉफ्टवेयर इशू है तो कनेक्ट करके फिर देखेंगे क्या है। तो हम आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे क्या इशू इसका सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कहोगे तो फिर से इसका फिर और कुछ किया जाएगा इस गाड़ी का, फिर देखा जाएगा क्या है। और बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आप ओनरशिप शेयर करना चाहते हो तो ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।